नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में दारोगा जी की दबंगई से आप बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन ताजा मामला दरअसल खूब तूल पकड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दारोगा जी एक मिठाई दुकान में पहुंचे और वहां पर उन्होंने 10 रसगुल्ले के साथ 5 ग्लास लस्सी डकार लिया। और ताजुब की बात यह है कि इसके बाद जब दुकानदार ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने घोंस दिखाते हुए उसकी पिटाई कर दी। क्या है ताजा मामला और किस तरह से उसकी पिटाई हुई, आप इस वीडियो में देखिए। बिहार में एक दारोगा की दबंगई का मामला सामने आया, जहां 10 रसगुल्ला और 5 ग्लास लस्सी डकार गए दारोगा जी। पर जब दुकानदार ने इसके बदले पैसा मांगा तो दारोगा जी दुकानदार को घोंस दिखाने लगे और बदले में उसे पीटा भी। ये पूरा मामला दरअसल मुंगेर की है, जहां एक मिठाई दुकानदार अंबिका यादव का आरोप है कि सफिया सराय थाने के एक दारोगा विनय कुमार ने उनको बेरहमी से पीटा। दारोगा और उनके साथी पुलिसकर्मी रविवार को मिठाई की दुकान पर आए थे। मिठाई खाने के बाद दुकानदार से पैसे मांगने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पीड़ित ने एसपी से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रविवार को सफिया सराय थाना क्षेत्र के सिंघिया इलाके में स्थित अंबिका यादव की मिठाई की दुकान पर ये घटना घटी। सुबह के समय दारोगा विनय कुमार 3 अन्य पुलिस कर्मियों और ड्राइवर के साथ दुकान पर पहुंचे। उन्होंने 10 पीस स्पंज रसगुल्ला और 5 ग्लास लस्सी का ऑर्डर दिया। खाना खत्म करके जाने लगे तो दुकानदार ने 240 रुपए का बिल मांगा। बिल मांगते ही दारोगा गुस्से में आ गए और दुकानदार से बदतमीजी से पेश आने लगे। उन्होंने कहा, हम पुलिस वालों से पैसा लेगा। दुकानदार ने जब विरोध किया तो दारोगा ने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट में दुकानदार का मोबाइल भी टूट गया। घटना के बाद आसपास के दुकानदार भी इकट्ठा हो गए। घायल अंबिका यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। बाद में घायल दुकानदार अन्य दुकानदारों के साथ एसपी सैयद इमरान मसूद के आवास पर पहुंचे और दारोगा की शिकायत की। उन्होंने एसपी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपे जाने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको कि इससे आप बखूबी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि दबंगई का आलम आखिर किस कदर चढ़ा हुआ था कि दुकान में दारोगा जी पहुंचते हैं, 10 रसगुल्ला खाते हैं और उसके बाद 5 ग्लास लस्सी डकार लेते हैं। लेकिन दुकानदार की क्या गलती थी, दुकानदार ने जब पैसा मांगा तो उसे घोंस दिखाने लगे और इतना ही नहीं, दुकानदार की पिटाई भी कर दी। आपको बता दें कि घोंस दिखाना अब इस दारोगा जी को काफ़ी महंगा पड़ गया है, क्योंकि इसकी जांच जो है वो अब की जा रही है, क्योंकि दुकानदार ने इसकी लिखित शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन में की है और उसके बाद कार्रवाई करने की बात सामने आ गई है कि 24 घंटे में इस पूरे मामले की जांच की जाए और उसके बाद दारोगा जी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से दबंगई का मामला जो है वो सामने आया है, मुंगेर की ये घटना है और यहाँ से ये तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस तरह की दबंगई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि दुकानदार ने साफ तौर पर कहा है कि हमने जब पैसे मांगे तो इस पर दारोगा जी बौखला गए और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल दुकानदार का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है, वहीं इस मामले पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े हैं NBC 24 पर।